हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर बलराम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी नीट काउंसलिंग के बारे में। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एमपी नीट स्टेट मेरिट लिस्ट। स्टेट मेरिट लिस्ट क्या होती है, तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं सीट, कॉलेज वाइज सीट देख सकते हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कैसे चॉइस फिलिंग करें, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्टेट मेरिट लिस्ट। तो हम सबसे पहले नीचे जाएंगे, देखेंगे लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं, सीट चार्ट देख सकते हैं, स्टेट मेरिट। तो हम स्टेट मेरिट देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरिट लिस्ट ऑफ एमपी स्टेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर स्टेट कंबाइंड काउंसलिंग मेरिट काउंसलिंग नीट यूजी 2021 डेट 22/1/2022। तो कल ये मेरिट लिस्ट रिलीज़ की गई है, तो ये आप देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मेरिट लिस्ट ओपन हो गई है, इसमें आप देख पाएंगे कॉमन रैंक, एमपी स्टेट रैंक, नीट यूजी 2021 रैंक, नीट यूजी 2021 रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, डोमिसाइल, एलिजिबिलिटी कैटेगरी, नीट परसेंटाइल और नीट स्कोर। तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि आपका स्टेट वाइज रैंक कितना रहा है। तो इसमें आप देख, इसमें कॉमनली आपको देखना है स्टेट मेरिट रैंक, इसमें देख पा रहे हो नीट यूजी 2021 रैंक और एमपी स्टेट रैंक। तो आपकी कितनी रैंक है स्टेट में, प्रदेश में आपकी कितनी रैंक है, तो जो फर्स्ट नंबर पे हैं वो है चिराग बंसल, चिराग बंसल की जो कि 99.99% हैं, उनके मार्क्स हैं 705, 705 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720। तो ऐसे ही आप अपना नाम भी इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज हैं। तो आप देख पाएंगे इसमें 136 पेजेस हैं। तो जो भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनका सभी का मेरिट लिस्ट में नाम होगा, तो आप देख सकते हैं जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था सभी के नाम, उनके रैंक वाइज नाम होंगे, तो आप इसमें सर्च करके देख सकते हैं ऊपर। तो इसमें आप सभी कुछ मिला लें, अपना रैंक, रोल नंबर, कैटेगरी, सभी जानकारी देख लें, क्योंकि एक से एक जैसे नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे, तो सभी जानकारी आप मैच कर लें। तो ये तो स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज़ हो चुकी है, जो कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें रैंक दी गई है, और जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वो भी आप नीट रैंक जो स्टेट मेरिट देखकर ही आपको चॉइस करना होगा। जैसे ही आपके नंबर होंगे वैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छी रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। तो ये सभी जानकारी आपको स्टेट मेरिट में देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके नंबर ज़्यादा हैं, कम हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आपको सबसे पहले जो चॉइस करने हैं वो करने हैं गवर्नमेंट कॉलेज ही चॉइस करें, उसके बाद ही आप प्राइवेट कॉलेज चॉइस करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज चॉइस करें, लेकिन फिर भी आप सबसे पहले गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दें, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज चॉइस करें, फिर प्राइवेट कॉलेज चॉइस करें। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। और भी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में आप, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं सीट भी देख सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे जाके देख सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं अलॉटमेंट लिस्ट जब रिलीज होगी तो आप भी यहाँ देख सकते हैं, सभी जानकारी आपको इसी साइट पे मिलेगी। तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे फीस इसमें दी गई है, फीस भी आप देख सकते हैं सभी कॉलेज की, सभी जानकारी आपको इसी साइट पे मिल जाएगी। फीस चार्ट आप देख पा रहे होंगे।
आप MBBS BDS सीट चार्ट देख पाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, इसमें टोटल सीट्स आप देख पाएंगे 250। ऑल इंडिया कोटा की जो रिजर्व सीट हैं वो है 37 सीट, और GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्व सीट हैं वो है 8 सीट। रिमेनिंग सीट 205, 205 रिमेनिंग सीट्स हैं, जिसमें आपको PWD के लिए 10 सीट्स, सैनिक के लिए 6 सीट्स और फीमेल अब 6, ओपन ऑल कैटेगरी के लिए 183। तो इसमें है जो शॉर्ट दिए हैं, तो इसमें आप देख पा रहे हैं FF जो लिखा है वो है फ्रीडम फाइटर के लिए, तो इसमें आप देख पाएंगे SN क्या है, सैनिक, FF स्वतंत्रता सेनानी के लिए, PWD का मतलब है दिव्यांग, और GOI भारत सरकार द्वारा नामांकित सीट रिजर्व सीट। तो इसमें आप देख पाएंगे सभी कॉलेज का, इसमें आप देख पाएंगे प्राइवेट कॉलेज का भी देख सकते हैं, जैसे कि पीपल कॉलेज ऑफ मेडिकल भोपाल, तो ये सभी LNCT यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, सभी कॉलेज प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का सीट चार्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।